डबरा नगर में अन्नकूट भंडारे में लगा भक्तों का तांता। विदर्भ रोड पर स्थित इच्छापूर्ण श्री मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की तृतीय वर्षगांठ बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें विशाल अन्नकूट भंडारे का आयोजन किया गया। यह उत्सव श्री बालाजी दरबार के महंत श्री सोनू जी महाराज के दिशा निर्देशन में बालाजी मित्र मंडल के सहयोग से संपन्न हुआ। वहीं श्री सोनू जी महाराज ने एसआरवी परिवार से चर्चा करते हुए बताया कि भक्तों को स्वच्छता एवं साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। डबरा से एसआरवी पर जितेंद्र सिंह यादव के साथ निशांत साहू की रिपोर्ट। एसआरवी बुलेटिन चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली खबरों की सूचना आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। हमारे यहाँ जो है तृतीय वर्षगांठ मनाई जा रही है बालाजी महाराज की जन्मोत्सव, तो इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? आज के दिन ही श्री बालाजी महाराज की प्राण प्रतिष्ठा की नाम विभाग के दिन, और आज 3 साल पूरे हुए हैं, और हर साल की बात इस साल भी बालाजी मित्र मंडल विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। फूल मंगला सजा हुआ है, बालाजी सरकार का विशेष श्रृंगार है। तो बालाजी महाराज कैला मैया सीताराम परिवार की आज के दिन मतलब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, 3 साल हो गए हैं प्राण प्रतिष्ठा। उसी भाई साहब बात चल रही है, महाराज जी अपने यहाँ जैसे प्रतिदिन कई अनेकों नए भक्त आते हैं, हजारों भक्तों का जो है प्रतिवर्ष यहाँ मेला लगता है, आज आपको क्या लग रहा है कि श्रद्धालुओं की संख्या कितनी पहुंची होगी? 20,000 से 25,000 तक श्रद्धालुओं की संख्या पहुंचेगी, क्योंकि पिछली बार जब अन्नकूट हुआ था तो 18 से 19 हजार भक्तों ने भंडारा पाया था बैठकर, ठीक है। तो उस अनुमान को लगाते हुए इस बार भंडारा जो बना है वो भंडारा 20,000 से 25,000 भक्तों के लिए बना है, तो मुझे नहीं लगता कि 20,000 से ऊपर ही भक्त पहुंचेंगे। महाराज जी अब तक लगभग आपको क्या लगता है कितने लोगों के संकट का निवारण जो है बालाजी महाराज यहाँ से कर चुके हैं? ऐसे कई संकट ऐसे भी हैं जो मैत्रीपुर से लौट के आते हैं उनका संकट जाकर जाता है, क्योंकि वहाँ बालाजी दरबार में किसी व्यक्ति का महत्व तो है नहीं, झाड़ फूक का महत्व तो है नहीं, यहाँ तो स्वयं बालाजी सरकार है, ठीक है ना। तो बालाजी महाराज की जो जल और भभूति है वही अमृत तुल्य है, उसी जल भभूति से श्री बालाजी महाराज बड़े से बड़ा संकट काटते हैं। और रविवार को दरबार लगता है यहाँ पे 1 बजे से 5 बजे तक, उसमें जो ऊपरी बाधा के पीड़ित रहते हैं वो लोग आते हैं यहाँ पर, उनको पेशी बालाजी महाराज के दरबार पेशी लगती है, बालाजी की पेशी लेते हैं, सताई झूमने लगते हैं, बालाजी धाम में बयान करते हैं कौन है क्या है कहाँ से, ठीक हो जाते हैं। महाराज जी ऐसी कोई आप विधि हमारे दर्शकों को बता सकते हैं जिससे कि उनके ऊपर किसी भी प्रकार की ऊपरी प्रेत बाधा का जो है संकट ना आए? पहले तो हनुमान चालीसा, पहले भी मेरी एक बार बात हुई थी आपसे, तभी मैंने यही कहा था हनुमान चालीसा प्रतिदिन एक हनुमान चालीसा को करेगा तो संकटों का तो पास में आ ही नहीं पाएंगे। बालाजी सरकार हनुमान जी महाराज बड़े ही विशाल और बहुत बड़े देवता है, प्रधान देवता है कलयुग के। और दूसरी बात, बाबा का दरबार अगर कहीं भी लगता हो क्षेत्र में, जिस कहीं भी आसपास लगता हो, तो मंगलवार शनिवार बाबा का दर्शन करने अवश्य जाएं। मेहंदीपुर बालाजी सरकार का दरबार लगता है, मंदिर है, तो दर्शन करने अवश्य जाएं। अंत में महाराज जी मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों के लिए और अपने भक्तों के लिए एक संदेश दें सामाजिक परक, जिससे कि उन्हें अपने भविष्य में आगे बढ़ने की जो है सीख मिले। सबसे पहले तो अगर देश को आगे बढ़ाना तो पहले तो साफ सफाई स्वच्छता जो है वो विशेष है। जैसे आप देख रहे हैं भंडारे में अनाउंसमेंट चल रहा है कि पत्तल धोना जो भी है वो डस्टबिन डालें, क्योंकि देखा जाता है आदमी क्या आता है बालाजी महाराज या अन्य कोई भी देवता, आपका घर जो है वो विशेष है। जैसे आप देख रहे हैं भंडारे में अनाउंसमेंट चल रहा है कि पत्तल धोना जो भी है वो डस्टबिन डालें, क्योंकि देखा जाता है आदमी क्या आता है बालाजी महाराज या अन्य कोई भी देवता, आपका घर गंदा करने नहीं जा रहा है, उसका मंदिर आप जो आप गंदा ना करो। अगर तेल लगाई और उसका रैपर फेंक दिया, ठीक है ना, पॉलीथीन का इस्तेमाल कम करें, ठीक है ना, पॉलीथीन का इस्तेमाल जितना हो सके उतना कम ही हो। अच्छा अभी बंद कर दो। डबरा बालाजी दरबार पर महान श्री सोनू जी महाराज जी ने भी हमें बताया कि लोगों को नित्य प्रतिदिन बालाजी महाराज की पूजा करनी चाहिए एवं हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, इससे उनके जीवन में जो है प्रेत बाधाएं हैं वो शांत हो जाती हैं। साथ ही साथ महाराज जी ने बताया कि वो अपने आसपास के परिवेश को स्वच्छ रखें, साफ रखें। इसी सामाजिक संदेश के साथ एसआरवी बुलेटिन से मैं जितेंद्र सिंह यादव, धन्यवाद।
रस्ते में खड़े होकर व्यवधान उत्पन्न ना करें, और यदि आप रस्ते